बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो रेसिपी है हलवा, बहुत ही मज़े का बनता है और इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम हांडी में डालेंगे आधा किलो कुकिंग ऑयल और उसमें सूजी डालेंगे। सूजी को मैंने पहले से ही छान लिया है, तो आप लोग भी छान लें क्योंकि इसके अंदर बहुत कचरा होता है। तो सूजी को तकरीबन 10 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूजी के तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें तकरीबन 10 कप इसमें के अंदर पानी डालेंगे हम, और इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है क्योंकि अगर आपने चम्मच नहीं चलाया तो ये हलवा जल जाएगा आपका। तो इसके अंदर लगातार चम्मच आपको चलाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हलवे में पानी ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर तकरीबन आधा किलो इसमें चीनी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा मैं इसमें पानी भी डालूंगा क्योंकि चीनी अच्छी तरह फिर हल नहीं होगा क्योंकि हलवे में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी अच्छी तरह हल हो चुकी है। अभी इसमें हम इलायची डालेंगे। इलायची से हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है, तो ज़रूर इलायची डालो क्योंकि इलायची से इसका टेस्ट बहुत अच्छी तरह बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हलवे को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें किशमिश हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए दीजिए हामिद खान को इजाजत। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।